Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. If you want to become a PCS, HCS or HAS officer, agar aap state civil services ki preparation karna chahte hain, then Abhimanyu IAS has brought to you a fresh batch starting from 5th of April. Ye batch 5th April se start ho raha hai, which will cover general studies and CSAT. Also, iska ek special feature hai, 7-day free trials ka. Ye jo 7-day free trial feature hai, isme aap 7 दिन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं. मोर ओवर आपको हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के मोर देन 250 लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाएगी. सो ये 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट कैसे करना है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उस लिंक पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अपना 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट कीजिए. नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे. आज बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इश्यूज रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे. तो आज हम फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक्स ऑफ ट्रेड, प्रिंसिपल्स और जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज की बात करेंगे, फॉलोड बाय सम एमसीक्यूज. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन कैसे हुई. हाउ वॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई 1 जनवरी 1995 को अंडर मैराकेश अग्रीमेंट. तो ये मैराकेश अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई. मैराकेश अग्रीमेंट 123 नेशंस ने साइन किया था, राइट? तो अब इन ऑर्डर टू अराइव एट दिस स्टोरी वी हैव टू नो अ लिटिल बिट अबाउट द बैकग्राउंड. तो हम कुछ बैकग्राउंड करते हैं इसका. तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी टू रेगुलेट ट्रेड इन द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी. अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देखिए. तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, राइट? एज अ रिजल्टेंट दो बॉडीज निकल के आई थी, IMF और IBRD, राइट? तो इस कॉन्फ्रेंस ने एक थर्ड बॉडी की भी बात की थी जिसका नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो उन्होंने कहा था कि ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक ये बॉडी भी बनाते हैं. बट क्योंकि US जो कि एक मेजर इकोनॉमी था, उसने इसको रेटिफाई नहीं किया ITO को, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन कभी बन नहीं पाई. तो मीनवाइल बाकी नेशंस ने, अराउंड 23 नेशंस ने डिसाइड किया कि हम एक टेम्प्ररी मल्टीलेटरल अग्रीमेंट कर लेते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड की नेगोशिएशंस को स्टार्ट कर देते हैं और इवेंचुअली वी विल फॉर्म अ बॉडी एट मल्टी लेवल, एट ग्लोबल लेवल, राइट? तो ये GATT साइन हुआ उसके बाद. 23 नेशंस ने 1947 में जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ इन ट्रेड साइन किया, जिसमें वो ट्रेड नेगोशिएशंस उन्होंने स्टार्ट कर दी. इसमें वेरियस ट्रेड राउंड्स होने लग गए. ये जो था ये ट्रेड इन गुड्स पे फोकस करता था, इसमें सिर्फ ट्रेड इन गुड्स जो था वो इंक्लूडेड था. तो इसके अंदर वेरियस ट्रेड राउंड्स हुए 1947 से लेके 1994 तक ट्रेड राउंड्स हुए. तो जो 8th ट्रेड राउंड था ना, दिस इज द 8th ट्रेड राउंड अंडर GATT, उसका नाम था यूरुग्वे राउंड. वो यूरुग्वे राउंड था. इसमें डिसाइड हुआ कि हम एक बॉडी बनाएंगे ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, जिसका नाम होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इसके बाद वो अग्रीमेंट, मैराकेश अग्रीमेंट जिसकी हमने बात की, वो साइन किया गया और उससे फॉर्मेशन हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, राइट? अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक्स कर लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब ये साइन किया था, 123 मेंबर्स ने साइन किया था मैराकेश अग्रीमेंट. अब कितने मेंबर्स हैं? 164 मेंबर्स हैं. इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? जिनेवा में है. और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो कौन है, कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 3 लैंग्वेजेस हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पैनिश, राइट? ऑल दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर या कॉम्पोनेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. सो इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्टली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. ये हाईएस्ट लेवल कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर. इसमें सब नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. ऑल मेंबर नेशंस हैव रिप्रेजेंटेटिव्स हियर. ये हर 2 साल बाद होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, राइट? अब ये तो हर 2 साल बाद एक बार होती है. उसके बाद आता है जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल क्या है? ये रेगुलरली मीटिंग बॉडी है. जो रेगुलरली मीट करती है वो जनरल काउंसिल है. ये अपने डिसीजंस ले सकती है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, पहली बात. और ये जो जनरल काउंसिल है ना, ये 3 तरह से मिलती है. एक तो इट मीट्स एज अ जनरल काउंसिल, एक इट मीट्स एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एंड इट ऑल्सो मीट्स एज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. ये 3 तरह से मिलती है. जब ट्रेड की पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए मिलती है, उस टाइम इट वर्क्स अंडर द रूल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. फिर ये जनरल काउंसिल की तरह मिलती है जब ये बाकी काउंसिल्स की फंक्शनिंग को ओवरसी करती है और बाकी सारे काउंसिल्स इसको रिपोर्ट करते हैं. काउंसिल
क्या है ये? ये वेरियस सेगमेंट्स हैं जिसमें ट्रेड इन वेरियस थिंग्स को हमने डिवाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज. तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रेड को फोकस्ड अप्रोच से काम करते हैं, ठीक है, और ये सब रिपोर्ट करते हैं जनरल काउंसिल को, राइट. तो ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए TPRB ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, जनरल काउंसिल है, जिसमें सब मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, रेगुलरली मीट करती है. और एक और बात हमने की कि ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पर डिसीजंस भी ले सकती है, राइट. अब एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट रिव्यू बॉडी, कि जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं ना नेशंस में, उनको रिव्यू करने के लिए एक बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. तो ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, इसमें अब कुछ इशू चल रहा है जो हम कल बात करेंगे, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, बेसिक. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड. ट्रेड क्या है सिंपल टर्म्स में? ट्रेड क्या है? लेन देन है. ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है कहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड, राइट. अब नेक्स्ट बात क्या है? इम्पोर्ट. ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है, कई बार हम कंफ्यूज कर देते हैं व्हेन वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, इसलिए हम ये कर रहे हैं. तो इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट तब होता है जब एक कंट्री किसी फॉरेन कंट्री से किसी गुड या सर्विसेज सर्विस को मंगवाती है, उसको इम्पोर्ट कहते हैं. ये एक डोमेस्टिक कंट्री है. इम्पोर्ट क्या है? डोमेस्टिक कंट्री है और एक फॉरेन कंट्री है. फॉरेन कंट्री से जब वो कुछ सामान मंगवाती है तो उसको इम्पोर्ट कहते हैं, राइट. एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है कि जब ये डोमेस्टिक कंट्री फॉरेन कंट्री में कोई गुड या सर्विस भेजती है ट्रेड करने के लिए, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं. तो जो चीज़ बाहर जा रही होती है, एग्जिट कर रही होती है कंट्री को, वो एक्सपोर्ट है. जो कंट्री में आ रही होती है या फिर कंट्री में उसका इनवर्ड अप्रोच होता है, तो उसको कहते हैं हम इम्पोर्ट. कंट्री में आती है जब कोई सर्विस या गुड, इम्पोर्ट. और एक्सपोर्ट क्या है? व्हेन द सर्विस और गुड लीव्स द कंट्री फॉर एक्सपोर्ट, फॉर ट्रेड पर्पसेस, राइट. अब नेक्स्ट क्या है? ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस होता है जब इम्पोर्ट्स आर लेस देन एक्सपोर्ट्स, तो ये ट्रेड सरप्लस हो जाता है, ठीक है. और ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, ओके. नाउ वी टॉक अबाउट प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शनिज्म क्या है? वेन एवर वी टॉक अबाउट फ्री ट्रेड, वी ऑल्सो टॉक अबाउट प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शनिज्म वो मेजर्स हैं, वो पॉलिसीज हैं जो कि कंट्रीज लगाती हैं अपने डोमेस्टिक ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए. जो भी मेजर्स एक कंट्री लगाती है उसको प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कहते हैं या प्रोटेक्शनिज्म की अप्रोच कहते हैं, राइट. अब ये प्रोटेक्शनिज्म में कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें ट्रेड बैरियर्स होते हैं प्रोटेक्शनिज्म के, राइट. कि हम ट्रेड के पाथ में बैरियर्स लगा रहे हैं, हर्डल्स लगा रहे हैं, ताकि फ्री ट्रेड ना हो सके हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो इसलिए उसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं. तो ये जो बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, ये बेसिकली ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, विच आर टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ बैरियर्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, कौन से बैरियर्स हैं? ये टैक्स के बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर्स. नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से हैं? ये वो बैरियर्स हैं, वो ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि नॉन टैक्स्ड होते हैं, टैक्स की फॉर्म में नहीं होते पर किसी और फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इम्पोर्ट कोटा, या फिर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, या फिर लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स. ये सब बातें नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं. ये बैरियर्स टू ट्रेड तो हैं, ट्रेड तो हैं, पर ये टैरिफ की फॉर्म में नहीं है. इम्पोर्ट कोटा में क्या होता है कि हम लिमिट कर देते हैं कि इतना ही इम्पोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वान्टिटी इम्पोर्ट नहीं कर सकते. सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स में क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट बेसिस पे या हेल्थ के बेसिस पे कह देते हैं कि ये इस नेशन के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ इम्पैक्टिंग आर इन्वायरमेंट और हेल्थ. सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स के अंदर जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो कुछ हद तक WTO उनको अलाउ भी करती है, राइट. कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या हेल्थ ऑफ द नेशन के लिए, ये ठीक है उसके लिए. अब हम बात करते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट. लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि कई बार नेशंस कहते हैं कि इतना लोकली अगर आप प्रोक्योर करोगे, इतने लोकल पॉपुलेशन को अगर आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, तभी आप ट्रेड कर सकते हो, तभी आप अपनी ब्रांच खोल सकते हो, थिंग्स लाइक दैट. तो ये लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में आती है, राइट. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड की, जिसमें हम बात करेंगे नॉन डिस्क्रिमिनेशन और रेसिप्रोसिटी के बारे में. सबसे पहले नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट्स, कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बिटवीन वेरियस ट्रेडर्स, बिटवीन ट्रेडर्स फ्रॉम वन जोन कंट्री टू द फॉरेन नेशन ट्रेडर्स,
या फिर बाकी नेशंस के ट्रेडर्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी भी तरह से ट्रेड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना है सबको, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। रेसिप्रोसिटी मतलब कि ऐसी इस तरह ट्रेड को नेगोशिएट करो ताकि म्यूचुअली बेनिफिट हो, आप कुछ बातों में बेनिफिट लो, कुछ बातों में अपने सामने वाले जो नेगोशिएटर है उसको बेनिफिट दो, और रेसिप्रोसिटी से ट्रेड करो कि कहीं म्यूचुअली अग्री करके म्यूचुअल कंसेशंस करो और दोनों को बेनिफिट हो, उसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी, राइट। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन में दो चीज़ें आती हैं, नेशनल ट्रीटमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो नेशनल ट्रीटमेंट क्या है? नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि एक नेशन को जैसे वो अपने डोमेस्टिक ट्रेडर्स को डील करता है उसी तरीके से फॉरेन ट्रेडर्स को भी डील करना चाहिए, मतलब फॉरेन ट्रेडर्स को भी नेशनल ट्रीटमेंट देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रीटमेंट, राइट। कि फॉरेन ट्रेडर्स और डोमेस्टिक ट्रेडर्स को एट पार ट्रीट करो। और मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है? कि जैसे आप अपने मोस्ट फ्रेंडली नेशन के साथ डील करते हो ना, उसी तरीके से बाकी नेशंस के साथ भी डील करो, राइट। तो ट्रेड जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन की प्रिंसिपल पे होना चाहिए कि एक ही तरह सब नेशन से आप ट्रेड करो, राइट। अब आते हैं हम नेगेटिव लिस्ट पे। तो ट्रेड ना दो लिस्ट में होता है, पॉजिटिव लिस्ट और नेगेटिव लिस्ट में। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रेड सिर्फ उन चीज़ों में हो सकता है जो आइटम्स मेंशनड हैं इन द लिस्ट, दैट इज पॉजिटिव लिस्ट। कि ये जो आइटम्स मेंशनड है लिस्ट में सिर्फ इन पर ट्रेड होगा, उसको कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट को क्या कहते हैं, कैसे होता है कि ये जो मेंशनड आइटम्स है ना, इनको छोड़ के बाकी सब आइटम्स पे ट्रेड हो सकता है। तो WTO कहता है कि नेगेटिव लिस्ट पे ट्रेड करो, मतलब इसमें इफेक्टिवली सिर्फ तीन चार आइटम्स, ये जितने भी आइटम्स लिखी हैं वही रहेंगी, बाकी सारी आइटम्स पे तो ट्रेड हो रहा है ना फ्री। तो इसमें हम मेंशन करते हैं आइटम्स जिन पे ट्रेड होना है, इसमें हम वो आइटम्स को मेंशन करते हैं जिन पे ट्रेड नहीं होना है और बाकी सब पे ट्रेड हो सकता है। तो इफेक्टिवली नेगेटिव लिस्ट में ज़्यादा ट्रेड होता है, इसलिए WTO कहता है कि नेगेटिव लिस्ट पर ट्रेड करो, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज पे, GATS पे। ये जो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज था ये 1995 में साइन हुआ था, आज ये भी यूरोपियन राउंड के बाद ही साइन हुआ था। ये सर्विसेज को चार पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये कहता है कि जो सर्विसेज है ना चार मोड्स में उनको डिवाइड करता है, मोड 1, 2, 3 एंड 4। इसमें मोड 1 क्या है, ठीक है, मोड 1 क्या है? मोड 1 है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, कि ट्रेड होगा अक्रॉस बॉर्डर पर किसी को जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड इज दिस, ये इलेक्ट्रॉनिकली होगा, टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू होगा, या किसी भी तरीके से होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा, खुद कोई नहीं जाएगा, ना सर्विस प्रोवाइडर जाएगा ना ही सर्विस का रिसीवर जाएगा, पर ट्रेड होगा क्रॉस बॉर्डर थ्रू इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशंस एंड अदर मेजर्स, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल टेलीमेडिसिन, कि अगर एक डॉक्टर है वो US में बैठे हैं और इंडिया में किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, तो उन्होंने उन किसी इंटरनेट के इंटरफेस के थ्रू उनसे बात की, अपनी प्रॉब्लम बताई और प्रिस्क्रिप्शन ले ली, राइट। दैट इज ट्रेड अंडर मोड 1, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, या फिर BPO सर्विसेज का ट्रेड, राइट। अब बात करते हैं मोड 2 की। मोड 2 में क्या है, कंजम्पशन अब्रॉड, कि सर्विस को कंज्यूम करने के लिए जब अब्रॉड गए, दैट इज मोड 2। इसमें क्या आता है कि सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम, US में वो डॉक्टर है, अब इस पेशेंट को, पेशेंट फ्लू टू US टू टेक द ट्रीटमेंट, तो ये मोड 2 के अंडर हो गई है सर्विस, कि जो पेशेंट था वो उस डॉक्टर की सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए बाहर गया, US में गया, दैट इज कंजम्पशन अब्रॉड। इसका और एक एग्जाम्पल क्या है, टूरिज्म। टूरिज्म में क्या करते हैं हम, वी गो टू अ सेपरेट नेशन, राइट। तो क्यों जाते हैं, सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए, टेम्प्ररी मूवमेंट होती है, सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, रहते हैं एंड वी कम बैक, सो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन अब्रॉड, दैट इज ट्रेड अंडर मोड 2 अंडर GATS। नाउ कमर्शियल प्रेजेंस इज मोड 3, मतलब अब वो जो डॉक्टर था ना उसने अपना हॉस्पिटल, वो US वाले डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल इंडिया में ही खोल लिया, आके अपनी एक ब्रांच इंडिया में ही खोल ली, दैट इज कि उसकी अब कमर्शियल प्रेजेंस हो गई इंडिया में भी, दैट इज ट्रेड अंडर मोड 3, कमर्शियल प्रेजेंस अब्रॉड। इसमें डॉक्टर का हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है हॉस्पिटल का, अब हम बाकी चीज़ें हो सकती हैं कि बैंक की ब्रांच खुल गई, कोई यूनिवर्सिटी की ब्रांच खुल गई, एनी सच थिंग, राइट। अब फोर्थ क्या है, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस। नेचुरल पर्संस की मूवमेंट है कि दैट डॉक्टर सॉ कि यह बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो वो दैट डॉक्टर फ्लू टू इंडिया, या फिर किसी हॉस्पिटल ने डॉक्टर के साथ टाई अप करके उन डॉक्टर को बुला लिया कि आप आइए और यहाँ पर पेशेंट्स को देखिए।
तो वो एक स्किल्ड पर्सन, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल ने मूव किया, ट्रैवल किया टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज, उसको मोड फोर के अंदर काउंट करते हैं, राइट? तो दैट इज मोड फोर ऑफ सर्विसेज, जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस, राइट? नाउ अब ये जो चार मोड्स हैं ये तो आपको समझ आ गए. अब इनमें से कुछ मोड्स ऐसे हैं जो डेवलपिंग नेशंस चाहते हैं कि ये ओपन हो जाए, कुछ मोड्स ऐसे हैं जो डेवलप्ड नेशंस चाहते हैं कि ओपन हो जाए. तो जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, ये कौन से नेशंस चाहेंगे कि ये ओपन हो जाए? इसमें क्या होता है, हमने कहा कि कोई जा नहीं रहा है पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, BPO सर्विसेज हो गई, डिस्टेंस लर्निंग हो गई, तो ये डेवलपिंग नेशंस ज़्यादा चाहते हैं कि ये खुल जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, वी हैव स्किल्ड मैनपावर, राइट? तो वो स्किल्ड मैनपावर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है. तो इसलिए कंट्रीज लाइक इंडिया, दे वॉन्ट द सर्विसेज अंडर मोड वन टू ओपन, ये डेवलपिंग नेशंस चाहते हैं, राइट? और कौन से चाहते हैं डेवलपिंग नेशंस? नेचुरल पर्सन की मूवमेंट को भी डेवलपिंग नेशंस चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लोग तो बहुत हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये वाला मोड फोर भी हमारे लिए मोर ओपन हो जाए, राइट? अब कंजम्पशन अब्रॉड है, सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए अब्रॉड जाना है, ये कौन चाहते हैं? ये बोथ डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म है या मेडिकल टूरिज्म है, तो ये दोनों को फायदेमंद है. कुछ चीज़ों के लिए बंदा अमेरिका जाता है, कुछ चीज़ों के लिए बाकी नेशंस जो है वो इंडिया आते हैं कुछ किसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए, राइट? तो ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस दोनों चाहते हैं कि ये ओपन हो जाए. और ये जो कमर्शियल प्रेजेंस वाला मोड थ्री है ना, ये डेवलप्ड नेशंस चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, हमसे बेटर हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये ओपन हो जाए. और द डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने पुराने नहीं हैं, अभी इतने वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, उनको लगता है कि वो जो है वो कॉम्पिटिशन टू बेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वो चाहते हैं कि ये इतना ओपन ना हो. बट डेवलप्ड नेशंस चाहते हैं कि मोड थ्री और ओपन हो जाए, राइट? गॉट इट? नाउ लेट्स कम ऑन टू सर्टन MCQs. MCQ, फर्स्ट MCQ इसी पे रिलेटेड है जो हमने किया. ये PCS का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पंजाब सिविल सर्विसेज का. क्या है ये? कि इंडिया ने कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट, इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली बिन नेगोशिएटिंग फॉर एन एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड सर्विसेज वाया मोड फोर एज डिफाइंड अंडर अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज ऑफ द WTO. क्या ये कहता है कि इंडिया कॉन्स्टेंटली मोड फोर की जो है एक्सपेंशन चाहता है, कि मोड फोर में जो सर्विसेज मिलती है उसकी एक्सपेंशन हो जाए WTO के मोड फोर गैट्स में. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोड वन क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. क्या मोड वन? क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. मोड टू, टेम्पररी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस टू कंज्यूम सर्विसेज अब्रॉड. ये पहली बात. एक और बात है इसमें कि सारी मूवमेंट्स टेम्पररी हैं, सिटीजनशिप लेने नहीं जा रहा है कोई भी, ये टेम्पररी मूवमेंट्स है मोड 1, 2, 3, 4 की सबकी, राइट? तो मोड टू क्या है? टेम्पररी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस टू कंज्यूम सर्विसेज अब्रॉड. यस, फर्स्ट भी करेक्ट है, राइट? क्रॉस बॉर्डर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाया कमर्शियल प्रेजेंस. कमर्शियल प्रेजेंस किसी और कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर हो, क्या वो मोड थ्री का पार्ट है? हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल वो मोड थ्री का ही पार्ट है. टेम्पररी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. सर्विस प्रोवाइडर्स की टेम्पररी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो हो रही है वो मोड फोर में है. यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली पेयर्ड? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्टली पेयर्ड, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज हरियाणा का HCS का क्वेश्चन लास्ट ईयर का. इन मार्च 2021 नगोजी ओकोंजो इवेला बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ. ये कहाँ की डायरेक्टर जनरल बनी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड बैंक की, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये डायरेक्टर जनरल बनी. शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन एंड ऑल्सो द फर्स्ट वुमन टू होल्ड दिस पोस्ट, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. WTO इज अ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी. क्या WTO UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO आर लोकेटेड इन वॉशिंगटन DC. WTO के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में है. WTO was formed as a part of Bretton Woods Conference. क्या WTO Bretton Woods Conference के पार्ट में फॉर्म हुई थी? तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी UN की है? नहीं, WTO UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है. हेडक्वार्टर्स हमने देखा था जिनेवा में है. और वॉज इट फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? नो, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी जो नहीं बन पाई थी, इसलिए GATT बना था. और GATT के 8th ट्रेड राउंड के बाद WTO बना था.
तो दिस ऑल्सो बिकम्स इनकरेक्ट. सो आंसर इज नन. राइट, नाउ लेट्स कम बैक टू आर स्टेट सिविल सर्विसेज बैच जो कि 5th of April से स्टार्ट हो रहा है. ये 5th April से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर कंबाइंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज. PCS, HCS और HAS की कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है. इसमें GS और CSAT की कवरेज होगी. 7-day फ्री ट्रायल का इसका एक स्पेशल फीचर है जिसमें आप 7 days एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं और आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के मोर देन 250 लेक्चर्स की एक्सेस आपको मिलेगी. सो टू स्टार्ट योर 7-day फ्री ट्रायल आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके अपने आपको रजिस्टर करना है और अपना 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट करना है. Now, if you found this video useful, do like and share it and also subscribe to our channel Abhimanyu IAS and do not forget to hit the bell icon. Thank you.